हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। टुडे वी विल सी एंड डिस्कस द अदर टॉपिक ऑफ एमएस वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इन एमएस वर्ड वी ऑलरेडी सी हाउ इंडेंटेशन वर्क। इन लास्ट क्लास वी सी हाउ इंडेंटेशन वर्क, दैट मीन्स this tab. Okay, this we already discuss. इस टैब को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, अगर आप को याद हो। ये टैब डिस्कस किया था, लेफ्ट टैब राइट टैब, और आप इस पे पॉइंटर रखेंगे तो इसमें नाम ये देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट टैब राइट टैब, ये आपका कौन सा डेसिमल टैब, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बार टैब, ये बार टैब है, ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, दिस इज हैंगिंग इंडेंट, दिस इज लेफ्ट टैब। तो ये हम लोगों ने टैब पढ़ा था, इंडेंटेशन, इसको हम इंडेंटेशन भी कहते हैं। ओके तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से अगर हम फॉर्मेटिंग करते हैं और फॉर्मेटिंग को एक बार में हटाना, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कुछ टाइप करा, लाइक आपने टाइप करा माय नेम इज राज, नजीम ये आपने करा, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है, और इसको हमने बोल्ड करा, इटैलिक करा और अंडरलाइन कर दिया। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कहाँ से करा, यहाँ से, ये बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, एक लिखा है क्लियर फॉर्मेटिंग, लिखा है ये वर्ड क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर जाएंगे क्लिक करेंगे तो जितना पार्ट सिलेक्टेड होगा उस पर से फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। फिर से समझिए, जैसे हमने इतने पे फॉर्मेटिंग करी थी, अब हमने कोई नया वर्ड है जिस पे हमने फॉर्मेटिंग नहीं करी है और हमने ऐसे ही इसको लिखा है, कुछ वर्ड्स पे फॉर्मेटिंग लिखी है, कुछ पे फॉर्मेटिंग नहीं करी। जैसे मान लीजिए हमने इस लाइन को फॉर्मेट करा हुआ है, इसको हमने बोल्ड कर दिया, सॉरी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हमने बोल्ड कर दिया है, ये लाइन बोल्ड है, तो अब हमें फॉर्मेटिंग क्लियर, अब देखो इस पे हम करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, सिर्फ देखिए अगर हम नेम को क्लिक करें, नेम को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, तो देखिए सिर्फ नेम पे ही फॉर्मेटिंग क्या हो गई, क्लियर हो गई। हमारा ओरिजिनल जितना बड़ा था, जैसे मान लीजिए ये है, अब हम ये टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए साइज भी छोटा है टेक्स्ट का, टेक्स्ट का साइज छोटा है। अब हमने मान लेते हैं ये हमने कुछ भी टाइप करा, एनीथिंग टाइप, एनीथिंग कोई भी पैराग्राफ आप टाइप कर लीजिए, हमने यहाँ पे इस लाइन पे फॉर्मेटिंग परफॉर्म करी, इसको हमने बोल्ड करा, ठीक है, इसको हमने बड़ा भी कर लिया, यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा लिया, 18 कर लिया, ठीक है, इसी को हमने जो है कलर कर दिया, मान ली यहाँ से हमने कलर कर दिया, सब आप सीख चुके हैं पहले ही से ना। अभी क्या करिए, अब आप फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए, क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए कुछ हो रहा है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, जितने पे से फॉर्मेटिंग क्लियर करना है पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, फिर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो देखिए क्लियर हो गया, उतने टेक्स्ट पे क्लियर हो गया, जितने टेक्स्ट पे हमने फॉर्मेटिंग इतने टेक्स्ट पे करी थी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट करा, इतना जितना सेलेक्ट करेंगे और ये क्लियर फॉर्मेटिंग वाला बटन दबाएंगे तो आपका क्या होगा, उतने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लियर फॉर्मेटिंग, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें, ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि हिडन कैरेक्टर शो करने के लिए है, बाकी यहाँ पे इसमें सारा हो गया है। चलिए फॉर्मेट पेंटर बताते हैं आपको, क्या नहीं फॉर्मेट पेंटर, इट्स वेरी गुड फीचर, बहुत अच्छा फीचर है इसका। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर क्लास और यहाँ पर आपने इसको हेडिंग डाली है, ठीक है, और हेडिंग में आपने यहाँ पर कुछ लिखा, एनीथिंग आपने कोई भी चीज़ आप लिखते चले जा रहे हैं, ये एक पैराग्राफ आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग परफॉर्म करी, किस पे, कंप्यूटर क्लास पे, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको दिखाई पड़ता रहेगा। अब इस पे हम फॉर्मेटिंग परफॉर्म करते हैं, क्या फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको हम बोल्ड करेंगे,
इसका हम फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, मान ली हमने एरियल ब्लैक कर दिया, ओके। इसका हम साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 22 कर दिया, ठीक है, 22 साइज कर दिया, 22। इसका हम फॉन्ट का कोई कलर चूज कर लेते हैं, ऐसे ये कर लिया कलर हमने, इसको हम इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। इतनी फॉर्मेटिंग हमने इस पे परफॉर्म कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने लिखा, सपोज यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा अंडरस्टैंड एडिटिंग, अंडरस्टैंड एडिटिंग। अब इसको हमने ये हेडिंग हमारी, अब हमने यहाँ पर कुछ लिखना शुरू करा, एनीथिंग कुछ लिख रहे हैं, कोई मैटर है हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें सेम फॉर्मेटिंग परफॉर्म करनी है, जैसे ये कंप्यूटर क्लास फॉर्मेटेड है उसी तरह से हमें सेम फॉर्मेटिंग परफॉर्म करना है, किस पर, अंडरस्टैंडिंग वाले, यानी कि हमको इस पर सेम फॉर्मेटिंग, जैसे ये है, अब ये इतना ही बड़ा फॉन्ट ऐसे ही, तो अगर मान ली इस तरह से हमने 10 फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर रखी है, तो अब हमें याद कैसे रहेगा कि किस पे कौन सी फॉर्मेटिंग परफॉर्म थी। इसके लिए बहुत सिंपल है कि जो भी आपको अगर ऐसी ही सेम फॉर्मेटिंग अंडरस्टैंडिंग वाले पे चाहिए, तो आप कंप्यूट इस पे कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए, कहीं पर भी किसी पोर्शन पे भी क्लिक कर दीजिए, यहाँ यहाँ नहीं, नीचे वाले पे नहीं, इसी पे, कंप्यूटर क्लास के किसी भी उस पे आप क्लिक कर दीजिए, कहीं भी क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर आपको दिख रहा है, फॉर्मेट पेंटर देखिए, हर एक टूल का, मैक्सिमम टूल का शॉर्टकट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्या, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये फॉर्मेट पेंटर है। क्या करेंगे आप, इस पे क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे देखिए, अब आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, जैसे ही आप पेज फैलाएंगे, ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया ना, ये चेंज हो गया, जैसे ही आप टेक्स्ट पे ले जाएंगे, कहीं और ले जाएंगे तो आपका ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, टेक्स्ट पे जाएंगे तो देखिए एक ब्रश भी बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये ब्रश जिस पे अभी हम क्लिक ड्रैग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माउस मूवमेंट है, सिर्फ हम माउस को मूव कर रहे हैं, इस पे क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, जितने पे आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे सेम फॉर्मेटिंग परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो सेम फॉर्मेटिंग को परफॉर्म करने के लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आ गया आपको, ऐसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई फॉर्मेटिंग परफॉर्म करी, सपोज इतने टेक्स्ट को हमने बोल्ड करा, सपोज कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया, ठीक है, फॉन्ट का साइज हमने बढ़ा दिया, सपोज 48 कर दिया, एनीथिंग जो भी आपको करना है, 48 करिए, 4 करिए, कोई भी, यहाँ इतने फॉन्ट है हमने, कोई एक स्टाइलिश फॉन्ट कुछ भी ले लिया, ये ले लिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही फॉर्मेटिंग हमको इतने टेक्स्ट पे परफॉर्म करनी है यहाँ पर सेम, तो क्या करना है आपको, इस पे कर्सर रखना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और जितने पे करना है उतने को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, फॉर्मेटिंग परफॉर्म हो जाएगी, ये देखिए सेम फॉर्मेटिंग होगी, सिर्फ फॉर्मेटिंग होगी, सेम वर्ड नहीं है, देखिए यहाँ कंप्यूटर क्लास लिखा है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग एडिटिंग लिखी है, यानी कि आपके वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन वर्ड पे होने वाली जो डिजाइनिंग है, जो फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग आपकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, ठीक है। चलिए अब एक चीज और देखिए, लाइन स्पेसिंग, ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, लाइन स्पेसिंग। सबसे पहले लाइन स्पेसिंग के लिए पहले आप कुछ लिख लीजिए, कुछ ऐसा लिख लीजिए कि थोड़ी सी लाइंस बन जाए, कई सारी, बहुत सारी लाइंस हो जाए, तो हमने यहाँ पे लाइंस, या हम इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी पेस्ट करते चलेंगे, ठीक है। ये अब देखिए हर लाइन के बीच में स्पेस है, दिख रहा है आपको, ये लाइन के बीच में स्पेस है ना, सब लाइन के बीच में स्पेस है, इस स्पेस को हमें बढ़ाना है, तो ये देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग क्लिक करिए, जितना भी आपको करना है, 1 करना है, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, 1.15 करिए, 1.5 करिए, देखिए अब लाइन स्पेसिंग बढ़ रही है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा फीचर है ये। टाइपिस्ट अक्सर लाइन स्पेसिंग जो है 2 रखते हैं, उससे क्या होता है कि आप वो टाइप भी करते हैं और फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देते हैं, ताकि आप जो भी मैटर टाइप कराएं तो उनके नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो जाएं, भाई ज्यादा लाइन में गैप, लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे, अब 2.5 कर दिया आपने, देखिए कितना हो गया, देखिए गैप कितना हो गया ना, जब अगर आप ये 2 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को क्लिक करेंगे, तो यहीं पे चेंज होगा बस, इस पैराग्राफ में, बाकी में नहीं होगा, एक पैराग्राफ में पूरे चेंज हो जाएगा, पैराग्राफ जहां पर भी होगा, ठीक है। अगर हमने हर एक में एंटर मारा हुआ है, जैसे मान लीजिए एंटर जहां पर हम करते हैं, जैसे हमने ये लिखा
और हमने इंटर कर दिया, तो इसको एक पैराग्राफ मानता है वो कंप्यूटर, यहाँ पे हमने इंटर कर दिया, ये हमने एंटर कर दिया, ये एंटर कर रहे हैं, हम इंटर की प्रेस कर रहे हैं, हर लाइन के बाद हम एंटर की प्रेस करते चले जा रहे हैं। जहां पर अपने आप ये लाइन में आएगा, जैसे मान लीजिए ये अपने अब यह हम इंटर अब हमने इंटर प्रेस नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली लाइन खत्म होते ही लाइन चेंज कर दी इसने, ठीक है। तो अब इसका कंप्यूटर इतने को भी एक पैराग्राफ समझेगा और हर लाइन को भी पैराग्राफ समझेगा, क्योंकि जहां जहां हमने इंटर करा है वो एक पैराग्राफ हो गया। तो यहाँ पर हमने इंटर करा तो ये एक पैराग्राफ मान लिया। अब देखिए इसका इफेक्ट देखिए लाइन वाले का, अब समझिए इसको। हमने ये दो को सेलेक्ट करा और कहा लाइन स्पेसिंग टू, तो देखिए ये टू में ही हुआ, नीचे नहीं हुआ। अब देखिए पैराग्राफ में आइए, हमने कहा ये दो हमने सेलेक्ट करा है लेकिन ये तीनों में होगा इफेक्ट, देखिए देखिए तीनों में हो गया इफेक्ट। तो पैराग्राफ को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी दो लाइन भी सेलेक्ट करेंगे तो सारी लाइन में इफेक्ट होता चला जाएगा। फॉन्ट साइज को हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा तो जल्दी जल्दी ये टाइप भी हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखाई भी पड़ेगा आसानी से। जैसे ही देखिए अब हम इंटर नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली लाइन खत्म हो रही है और अपने आप नीचे आ रहा है, और जहां पर हम फुल स्टॉप करके एंटर की करेंगे वहीं पर क्या होगा, पैराग्राफ इसको मान लेगा। अब हम सिर्फ यहाँ पे रख करके अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को क्लिक करते हैं, टू करते हैं, तो देखिए पूरे पैराग्राफ पे इफेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम एंटर करते चले जाएं, ये चीज समझने वाली है, आप एंटर करिए, जैसे एक मिनट फॉन्ट को बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे तो जल्दी लिखता भी रहेगा। ये जैसे ये लिखा और हमने इंटर कर दिया, फिर ये लिखा, लाइन खत्म नहीं हुई, खत्म होने से पहले हमने इंटर कर दिया, ठीक है। इस चीज को समझिए कि लाइन स्पेसिंग किस पे फॉलो कर रही है। लाइन स्पेसिंग अगर आप पैराग्राफ बिना एंटर की करे हुए पैराग्राफ पे करते हैं तो अगर उसमें 10 लाइन भी हैं और दो लाइन को आप सिलेक्ट करते हैं तो लाइन स्पेसिंग सारे लाइंस पर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने दो को सिलेक्ट करा और कहा लाइन स्पेसिंग टू की कर दो, तो देखिए टू की गैप हो गया, दो लाइन का गैप हो गया इन्हीं दोनों में जो सिलेक्ट करा था, लेकिन तीसरी इसमें नहीं हुआ। अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, यहाँ पे जैसे हमने करा और यहाँ पे कहा सिलेक्ट करके टू पॉइंट कर दो, तो नीचे वाली लाइन पे हो गया, एक लाइन को करा तो उसके नीचे वाली लाइन पे हो गया लेकिन बाकी पे नहीं हुआ, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करके हमने जो करा था वो वापस हम ले आए, कंट्रोल जेड करा, अनडू, पूरे को सिलेक्ट करेंगे तब हमें हर लाइन में गैप बराबर का मिलेगा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है ये? तो दिस इज योर लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब लाइन स्पेसिंग में ये सारे हमारे ऑप्शंस क्लियर हैं। ये देखिए ये क्या है, कलर है, कलर चेंज करना है आपको, ये देखिए दिस इज द कलर। आप हाइलाइटर टाइप का जैसे होता नहीं, हाईलाइट करना है आपको, ये इस तरह का कलर आप चला सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आप कह सकते हैं इसको, हम बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए इसमें लिखा हुआ है फॉर्मल नॉर्मल, ये देखिए नो स्पेसिंग, यानी कि आपने जो भी परफॉर्म करा हुआ है अगर आप सारे को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल और इस पर क्लिक करिए, इतने पर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग का ही है ये, आप क्लियर कर देंगे क्लियर हो जाएगा, ये सब करेंगे तो बिना स्पेस के, या बड़ा करना चाहें तो बड़ा, यहाँ से भी ये प्री प्री स्टोर्ड सेटिंग्स हैं कुछ लाइन स्पेसिंग की और हेडिंग्स की, प्री स्टोर्ड। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपके पैराग्राफ के या मैटर के लिए ये सही है तो इनमें से कोई चूज कर लीजिए, जैसे आपने ये चूज कर लिया तो ऐसा हो जाएगा दिखेगा, ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, देखिए ये ऐसा कर लिया, अब देखिए ये ऐसा ही हो गया, है ना, यानी कि ये प्री स्टोर्ड फॉर्मेटिंग है, ये प्री स्टोर्ड फॉर्मेटिंग है, तो ये स्टाइल पहले से सेव है, ठीक है। यहाँ से हम स्टाइल सेट्स हैं, ये स्टाइल सेट्स हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं स्टाइल सेट्स को, ये देखिए ये आपके लिए नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे ये कलर्स हैं आप कलर सेट कर सकते हैं यहाँ से, ये वो फॉर्मेटिंग लग गई है वाली, इसको यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं फॉर्मेटिंग, तो जो हमारा नॉर्मल था वो आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसने को पहले आपको बता देते हैं ये क्या चीज़ है, ये टेबल पे लगता है, सबसे पहले हम टेबल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, पहले और कोई भी चीज़ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फाइल हम ओपन कर लेते हैं जिसमें कुछ लिखा हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा,
रिसेंटली, जैसे मान लीजिए एक फाइल हमने ये ओपन कर लिया, हमारी ये पहले की फाइल इसमें रखी हुई है, इसको हमने ओपन कर लिया। अब मान लीजिए ये हमारी जो फाइल है, अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए नीचे, ये हमारा स्टेटस बार है, इसमें आप देख सकते हैं पेज 3 दिखा रहा है। आप क्लिक करिए यहाँ पर किसी भी पेज पे, तो देखिए यहाँ पर ये दिखा, अभी और रीड कर रहा है ये, इसमें दिखा रहा है कि पेज नंबर 1 है 27 में, और भी पेजेस हैं इसमें। अभी ये ओपन कर रहा है फाइल को, ये जब फाइल को ओपन कर लेगा तो ये दिखाएगा ठीक से। देखिए यहाँ पे बढ़ता जा रहा है पेज, 41 हो गया। मेरे ख्याल से 41 फाइल की ही पेज है, फाइल है ये 118 पेजेस हैं इसमें, और भी होना चाहिए इसमें, अभी आता रहेगा ऐसे ही है। देखिए अब आ गया पूरा, ये आपको हम बता चुके हैं डॉक्यूमेंट के एंड और स्टार्टिंग में जाने के लिए आप कंट्रोल एंड और कंट्रोल होम का यूज़ कर लेते हैं। इसको देखिए, स्टेटस बार को देखिए नीचे, ये बता रहा है कि जो आपने फाइल ओपन करी है इसमें कितने पेजेस हैं, बता रहा है कि इसमें 118 पेज हैं, जिसमें आप कौन से पेज नंबर पे हैं, पेज नंबर 1 पे। चलिए हम पेज नंबर 2 पे चलते हैं, फिर देखें क्या होता है। ये क्लिक कर दिया हमने, अब हम किस पेज पे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है पेज नंबर 5 पे हैं, और टोटल पेजेस कितने हैं 118, ये दिख रहा है आपको। चलिए और नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, किसी भी पेज पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ देखिए अब ये क्या कह रहा है कि आप करेंटली आप पेज नंबर 14 पर हैं, और टोटल नंबर पेज कितने हैं 118, और ये बता रहा है कि ये जो आपने पूरा लिखा हुआ है, इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, तो 21,993 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सब आपको नीचे स्टेटस बार पे दिखता है, ये नीचे स्टेटस बार दिख रहा है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ये स्टेटस। यहाँ पर ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा प्रूफिंग एरर वर फाउंड क्लिक हियर टू करेक्ट, यहाँ पे क्लिक करिए, जहाँ पर भी एरर होगा वहाँ पर ये चला जाएगा और बता देगा कि यहाँ एक्चुअली में क्या होना चाहिए। यदि यहाँ एंड बायो होना चाहिए, प्रोसेसिंग एंड बायो टेक्नोलॉजी, एंड बायो होना चाहिए, फिर आप इस पर क्लिक करिए, तो जहाँ पर ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये बहुत अच्छा फीचर है, ये भी आपने कुछ टाइप कर लिया, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, बहुत से लोगों से मिस्टेक भी हो जाती है, तो यहाँ पर ये वर्ड ये बहुत अच्छा है, आप इस पर क्लिक करिए, जहाँ ग्रामेटिकल एरर होगी वहाँ ये ले जाएगा आपको, और बताएगा कि आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं, और सजेशन भी देगा कि यहाँ पर ये वर्ड हो सकता है। देखिए क्लिक करिए, ये हमने क्लिक करा, अब देखिए ये यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आया ये देखिए यहाँ पर बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे 2 लेटर सुपर कंप्यूटर लिखा हुआ है, सुपर कंप्यूटर के बाद डबल डॉट लगे हुए हैं, कोलन कोलन 2 बार लिखा है, तो कह रहा है ग्रामेटिकली एक बार होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि ये एक बार हो, तो हमने कहा नहीं भाई हम ऐसा चाहते ही हैं, तो हमने कहा इग्नोर इग्नोर कर दो इसको। फिर यहाँ पर आए, क्लिक करा, तो उस पर अब जिस भी आप देखिए पेज नंबर 27 पे है, 118 पे, अब यहाँ बता रहा है कि ये जो वाइज है, वाइज के बाद एक कोलन होना चाहिए, और हमने वाइस के बाद यहाँ कितने कोलन दे रखे हैं, इंटेंशनली हमने दे रखे, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको ये, तो ये कह रहा है कि ग्रामेटिकली ये होना चाहिए, लेकिन आप अगर ये कर देंगे तो वैसा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसा था वैसे ही इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वैसा ही डिजाइन है, आपने ऐसे क्लिक कर दिया तो वो उस तरह का हो सकता है। फिर आपने इस पे क्लिक करा, तो ये बताएगा कि कहाँ गलती है, एक बार होना चाहिए, देखिए एक बार कर दिया, पहले तो उसको मिलाया, दूसरी बार में हटा दिया, फिर आप क्लिक करिए, ये बता रहा है प्रोसेसर विद, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रोसेसर और विद साथ में लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, कौन सा ये, इसको कहते हैं प्रूफिंग। देखिए बता रहा है प्रोसेसर और विद के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना, लिख के बता भी रहा है ऐसा होना चाहिए, तो हमने कह दिया ठीक है ऐसा कर दो। फिर आपने क्लिक करा, तो जहां गलती थी वहां पर ये आपको ले जाएगा, गलती ये देखिए यहाँ पर है, गलती क्या है, यहाँ पर होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर वर, अलग होना चाहिए, नहीं स्पेस होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ स्पेस नहीं दिया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको हम प्रूफिंग बोलते हैं, प्रूफिंग टूल, ये यहाँ पे नीचे होता है, छोटा सा है लेकिन बड़ा बहुत मजेदार टूल है ये नीचे, ये आप यूज करा करिए, अगर आप बहुत अच्छा टाइपिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, एक एक चीज देखी जाती है, प्रूफ रीडिंग होती है, कहाँ पे कौन सा वर्ड गलत है, कहाँ ग्रामर है, कहाँ कोलन लगना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगना है, तो ये आपकी बहुत मदद करता है, मतलब आपका समझ लीजिए असिस्टेंट है ये एक तरीके से। क्लियर है, तो एक तो ये हो गया, ओके तो नीचे वाला ये मामला सब क्लियर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए आप अगर ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा सा हम अपना फिगर ऊपर कर देते हैं, मूवी जो वीडियो है हमारा, इस पोर्शन को आप देखिए,
ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये प्लस माइनस दिखा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा जो पेज है वो छोटा होता चला जाएगा। अभी तो हमने ऑलरेडी इसको बड़ा कर रखा था, ये रियल में दिखा रहा है अभी, रियल, सॉरी, ये रियल ये दिखा रहा है। यहाँ पे माइनस देखिए, माइनस पे दबा रहे हैं, 40, 41 ऐसे नीचे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये 10% आ गया, आपको 10% हर पेज 10% दिखा रहा है। इस पे क्लिक करते रहिए तो हर पेज अब आपको 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 100 दिखा रहा है। और ऊपर आपको करना है तो आप इसको क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, 400-500% तक जाता है। ये देखिए 500% दिखा रहा है। और ये आप इसको 100 पे जनरली हम लोग छोड़ देते हैं इसको ला करके, यानी देखिए 100 पे अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है 100, क्लियर। तो इससे आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं पूरे पेज को, ठीक है। और बाकी ये प्रिंट लेआउट प्रिंटर पढ़ाते वक्त बताएंगे आपको। इस वाले इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें चेंज हो गई, ख़त्म हो गई हैं इसमें। रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस देख लीजिए क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस सिलेक्ट। जैसे इसमें कुछ फाइंड करना है कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपको इंटेल ढूंढना है कि इंटेल कहाँ लिखा हुआ है इसमें, तो आप यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करिए, फाइंड, तो आपको एक बॉक्स आ जाएगा। बहुत अच्छा फीचर है ये भी, आपको ढूंढना है कोई वर्ड, आपने कहा इंटेल कहाँ लिखा है, तो हमने कहा इंटेल ढूंढो, इंटेल कहाँ है, फाइंड करो, इसी को कह दिया फाइंड करो, ढूंढेगा। हम क्यों ढूंढे, कंप्यूटर ढूंढे, ढूंढो भाई, ये बता दिया, देखो भाई एक इंटेल तो ये मिल गया। तो ये लिखा है मेटल एंटेली वॉइस, हमने कहा नहीं एंटेली वॉइस है एंटेल, फिर क्लिक करा तो ये देखिए यहाँ लिख गया इंटेल, ठीक है, इंटेल इंटेल इंटेल, क्लियर। ये अब हमने कहा कि इंटेल, मान लीजिए हमने कहा कि भाई ये यहाँ पे अब मोर भी है इसमें, मैच केस आपको मैच कराना है कि एकदम एग्जैक्टली यही होना चाहिए। मैच केस कैसे का मतलब होता है, जैसे चलिए इसी में कहीं पेज पे हम लोग कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ लिख देते हैं हम लोग, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। राजस्थान, ठीक है, ये लिख दिया हमने, इस पेज पे लिखा है, पेज नंबर देख लीजिए, यहाँ से पेज नंबर देखिए, हम लोग ने पेज नंबर 90 पे लिखा है राजस्थान, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं, कंट्रोल होम दबा देंगे, हम पेज नंबर 1 पर आ जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि राजस्थान कहाँ लिखा है, लेकिन ये पता है कि राजस्थान लिखा है, तो हमें ऐसा याद आ रहा है कि कहीं राजस्थान जहाँ पे लिखा है वहाँ पर हम फॉर्मेटिंग कर रहे थे। अब हम ढूंढना है कि राजस्थान कहाँ है, और राजस्थान गलत लिख गया, राजस्थान की जगह यूपी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश लिखा होना चाहिए, या राजस्थान की जगह दिल्ली लिखा होना चाहिए, कुछ और। तो हम चलिए फाइंड करते हैं, हमने कहा भाई ढूंढो राजस्थान, राजस्थान ढूंढो, ढूंढ दिया। देखिए अब डायरेक्ट अभी हम किस पेज पे थे, फिर से देखिए, कंट्रोल होम दबाए, एक मिनट, कंट्रोल होम दबाया हमने, पेज नंबर 1 पे पहुंच गए, ठीक है। अब हमने कहा फाइंड, ये देखिए फाइंड है, फाइंड ऑप्शन है ये, इसको हम बता, फाइंड दूरबीन भी है, कहीं भी होगा फाइंड कर लेगा। फाइंड करा, फाइंड के बाद आपके सामने में ये आएगा, हमें ढूंढना क्या था, राजस्थान, हमने यहाँ टाइप करा, इसको हम लेस कर देते, भी बाद में बताते हैं, हमने लिखा राजस्थान। अभी देखिए हम पेज नंबर किस पर हैं, यहाँ से देखिए अभी किस पेज नंबर पर हैं, पेज नंबर 1 पे हैं, हमने कहा राजस्थान फाइंड करो, फाइंड करा, ये देखिए 1 सेकंड में, सेकंड भी नहीं लगा। अब पेज नंबर देखिए किस पर है, पेज नंबर 90 पे, 1 से 90 पे आ गया। अगर हमें याद भी है कि राजस्थान पेज नंबर 90 पे लिखा है, तो 1 से लेकर 90 तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, स्क्रॉल करते 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 करते, या डाउन एरो की आते 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 बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और मान लीजिए ये 900 पेज की फाइल है तब, ठीक है। अच्छा चलिए, एक तो ये ढूंढ लिया इसने, अब हमने कहा ऊपर चले जाओ, और इसको हमने मिनिमाइज कर दिया, इसको नीचे कर दूँ, बहुत नीचे, ये यहाँ सही है, ओके। अब हमने इसको कहा कि फाइंड करो राजस्थान, लेकिन यहाँ पे एक मोर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया मैच केस, ठीक है। अब हमने कहा फाइंड करो, अब देखें क्या आता है। अरे ये तो कह रहा है वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड, मतलब हमने किस में लिखा है मैच केस, राजस्थान किस केस में लिखा है, राजस्थान पूरा हमने लोअर केस में लिखा है, और हमारा एक्चुअली में हम लोग राजस्थान कैसा लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, इसीलिए इसने फाइंड नहीं करा। यानी कि अगर बहुत सी जगह राजस्थान स्मॉल में है और कैपिटल में है, तो अगर हमें स्मॉल वाला ढूंढना है तो मैच केस का की हेल्प लेंगे, और अगर हमें यहाँ पे कैपिटल वाला ढूंढना है तो
तो हमने यहाँ लिखा कि अगर कुछ नहीं लिखा है तब तो वो ढूंढ देगा सबको, कैपिटल स्मॉल सबको ढूंढ देगा, लेकिन आप चाहते हैं नहीं ये सिर्फ कैपिटल वाले को ढूंढे। अब इसमें हम लोग को लिख के पहले लिख के देखना पड़ेगा ना, तो पहले चलिए लिख लेते हैं, कहीं स्मॉल भी लिख लेते हैं एक जगह। जैसे मान लीजिए कि ये इस पेज पे यहाँ पे कहीं लिख दिया हमने, छोटे में भी लिख दिया राजेश थान, दिख रहा है आपको। हमने एक और लिख दिया यहाँ पर, एक हमने और लिख दिया, अब हमने यहाँ भी लिख दिया राजस्थान, भी यहाँ पे हो जाओ राजस्थान। एक सेकेंड साइलेंट कर दूं, कॉल आ रही थी, सॉरी। एक हमने ये लिख दिया यहाँ पे राजस्थान, यहाँ भी लिख दिया राजस्थान। एक हमने स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में लिखा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इसको, अब हमने कहा स्मॉल वाले को ढूंढो, मैच केस करो, कैपिटल नहीं चाहिए हमें, स्मॉल चाहिए। हमने कहा फाइंड, अब यहाँ से हट भी तो जाए पहले, अभी तो इसी पेज पे, आप कहेंगे सर इसी पेज पे इसलिए ढूंढ लिया। अब देखो हम पेज नंबर 118 पर है, यहाँ दिख रहा है, हमने कहा फाइंड करो, यहाँ पे हमने लिखा ऐसा आता है आपके सामने, आपने लिखा राजस्थान स्मॉल में और कहा मोर पे जाके कहा मैच केस, मैच केस में कहा फाइंड, फाइंड करो भाई, आ गया देखो छोटे पे आ गया, दिख रहा है फाइंड। अब हम एक बार और फाइंड दबाए, आएगा बड़ा वाला भी तो लिखा है, अब कहेगा वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब एक था तो एक ढूंढ दिया उसने। अब हमने यहाँ पे लिखा मान लीजिए कि फिर से हमने कहा फाइंड करो और यहाँ पे कैपिटल लिख दिया रा जस थान, स्पेलिंग सेम होनी, स्पेलिंग अगर गलत होगी तो नहीं ढूंढेगा। और आपने कह दिया मैच केस, यानी कि अब किसे ढूंढेगा, कैपिटल वाले को और स्मॉल वाले को इग्नोर कर देगा। देखिए मिला क्या डॉक्यूमेंट छोटा, ये देखो पहुंच गया राजस्थान पे, कैपिटल वाले पर। इसको हम कहते हैं फाइंड ऑप्शन, फाइंड में और भी बहुत सारी उसमें चीजें हैं, पहले हम फाइंड और रिप्लेस देख लेते हैं क्या है। जैसे हमने कहा राजस्थान ढूंढ दिया, राजस्थान तो ढूंढ दिया, अब राजस्थान को रिप्लेस कर दो मुंबई से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिप्लेस, ये देखिए रिप्लेस है, हमने कहा रिप्लेस करो मुंबई और कहा रिप्लेस, तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ सामने दिख रहा है आपको, लिखा हुआ राजस्थान, हमने कहा भाई रिप्लेस कर दो, फाइंड करो पहले और रिप्लेस कर दो। अच्छा मैच केस लगा हुआ है, मैच केस हटा देते हैं पहले, चल के पहले इसको मिनिमाइज कर दे, मतलब छोटा कर लेते हैं, फाइंड करते हैं, मोर पे जाते हैं, मैच केस हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। हमने कहा भाई इसको, और ये तो ऑलरेडी फाइंड है ना, इसीलिए नहीं फाइंड कर रहे वो, हम लोग पेज नंबर 1 पे चले जाते हैं। अब हम कह रहे हैं ढूंढो राजस्थान और उसको मुंबई से रिप्लेस कर दो, तो हमने कहा ये देखो रिप्लेस में गए, हमने कहा फाइंड व्हाट, लिखा ना फाइंड व्हाट, हमने कहा राजस्थान ढूंढो, ऑप्शन में कह रहा है कि मैच केस, हमने कहा नहीं मैच केस नहीं है हटा दो, रिप्लेस विद मुंबई, ठीक है। तो हमने कहा फाइंड करो और रिप्लेस कर दो, तो पहले हमने कहा फाइंड, इसने फाइंड करा, अब हमने कहा रिप्लेस, तो वो रिप्लेस हो गया, फिर कहा फाइंड अपने आप चला गया, हमने कहा रिप्लेस, वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, ओके। अब देखो ठीक है, अब हम राजस्थान को सर्च करेंगे, फाइंड में चले जाए, इसी में है फाइंड रिप्लेस गो टू, तीनों एक ही में आता है, आप चाहे फाइंड दबाइए चाहे रिप्लेस दबाइए चाहे गो टू दबाइए। अब फाइंड में हमने कहा राजस्थान ढूंढो, तो कहा वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वॉज नॉट फाउंड, मिला ही नहीं है, होगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे मुंबई, मुंबई कह रहे फाइंड करो भाई, ठीक है आ गया मुंबई सामने लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा ना दोनों जगह, दो जगह मुंबई लिखा था दोनों जगह आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है ये फाइंड और रिप्लेस करने का, कि आपने कोई बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा है और वो डॉक्यूमेंट आप चाह रहे हैं कि भाई उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि, मान लीजिए आपने एक्स यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट बनाया, अब आप एक वाई यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट सेम है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम आपको चेंज करना है। आपने क्या करा, फाइंड एंड रिप्लेस, आपने एक्स की जगह का फाइंड एक्स रिप्लेस विद वाई, वो रिप्लेस कर देगा, तो फाइंड एंड रिप्लेस इज वेरी यूजफुल कैरेक्टर। अब गो टू एक है, गो टू क्या है भाई, गो टू बहुत अच्छा सेक्शन है, ये इसी में फाइंड में ही आता है, यहाँ पे देखिए परेशान मत हो जाइएगा कहाँ से आ गया, इसी फाइंड में देखिए तीनों है, फाइंड रिप्लेस गो टू, फिर से इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, देख लीजिए फाइंड रिप्लेस और गो टू, गो टू आप करेंगे तो पूछेगा क्या,
गो टू पे, यहाँ पे दिया पेज नंबर, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, किस पर जाना है आपको, बहुत सारी चीजें। अभी एक एक करके देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। हमने कहा पेज नंबर पे जाओ तुम, पेज नंबर, जैसे हमने कहा पेज नंबर, और पेज नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया 10, 10 पे जाओ, गो टू कर दिया, पेज नंबर 10 पे पहुंच गए, क्लोज करो, देखो क्या ये पेज नंबर 10 है। हाँ, यहाँ से पता चल जाएगा, ये देखिए यहाँ स्टेटस बार से पता चल रहा है ना, नीचे जो स्टेटस बार है बॉटम में, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि यू आर करेंटली ऑन पेज नंबर 10, तो दिस इज योर फाइंड एंड गो टू, फाइंड गो टू, इसको कंट्रोल एफ, इसका सिम वो है, शॉर्टकट है कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका यही आएगा, कंट्रोल एफ। देखिए ये तो खैर मैग्नीफायर है, ये आ गए हम कीबोर्ड में, ये कंट्रोल की और एफ, देखिए कंट्रोल हमने प्रेस करी, दोनों कंट्रोल का की नहीं प्रेस होती, एक ही होती, इसमें बता रहा है कि या तो दाएं वाली बाएं वाली कोई भी, कंट्रोल एफ, जैसे ही हमने कंट्रोल एफ करा फौरन पीछे देखिए क्या आ गया, ये आ गया कंट्रोल एफ, देखिए ठीक है, कंट्रोल एफ आप दबाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके तब आएगा, ये देखिए आ गया कंट्रोल एफ है मुंबई। तो आप यहाँ पर आप फाइंड एंड रिप्लेस, इसका नाम ही है इस डायलॉग बॉक्स, देखिए इसमें लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस, तो यू कैन फाइंड एनीथिंग और रिप्लेस विद एनीथिंग, ठीक है, मैच केस वगैरह आप करके देख लीजिएगा। गो टू में आप जिस भी सेक्शन नंबर, पेज नंबर, लाइन नंबर, फुट नोट, कहीं पर भी कमेंट वमेंट आपने दिया उस पर, किसी पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पोर्शन, दिस दीज इलस्ट्रेशन, दिस क्लिप बोर्ड, द फॉन्ट, द पैराग्राफ स्टाइल एंड एडिटिंग, ठीक है। इसमें एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और है, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑल करा, देखिए सारा सेलेक्ट हो गया हमारा, देखिए पूरा पेज सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है, देखिए पूरा डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, कहीं भी डीसेलेक्ट करना है कहीं भी क्लिक करिए डीसेलेक्ट हो जाएगा। कोई आपको पोर्शन सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई डायग्राम बना हुआ है, सपोज ये बना हुआ डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, हमने कहा भाई सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक करा, अब देखिए आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पर ऐसे आप करके ये इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, लाइक जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होने चाहिए या कुछ फिगर होना चाहिए, लाइक जैसे इसमें देखें कोई और फिगर हो, ये तो पिक्चर इंसर्ट करा हुआ है, जैसे मे बी सपोज जैसे ये बना हुआ, हाँ ये सिलेक्ट होगा, देखिए सब नहीं सिलेक्ट होता इसमें, हर चीज़ नहीं सिलेक्ट होती, ये पेज नंबर, ये अब इसको सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं करके क्या होता है, ये जैसे आप देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है, ये सेलेक्ट हो रहा है, ये सेलेक्ट हो रहा है, अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये कैसे बनेगा ये सब हम बताएंगे आपको, परेशान मत होइएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने कहा ये क्लिक एंड ड्रैग करा, ये देखो सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो गए, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल, जैसे यहाँ पे अभी कोई सिलेक्ट नहीं है, बाहर क्लिक करा, क्लिक सिलेक्ट एंड ड्रैग, देखो क्लिक एंड ड्रैग में दिख रहा है कुछ डॉटेड लाइन दिख रही है, ये हम क्लिक एंड ड्रैग करें हुए, और जो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट, द ऑल ऑब्जेक्ट विल बी सिलेक्टेड इन दिस वे, है ना, तो इन दिस वे वी कैन सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट, तो दिस इज अबाउट द सिलेक्ट टूल, तो यू कैन सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। तो इसमें आपको इलस्ट्रेशन और ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये पूरा टूल आपको फिनिश हो गया ना, समझ में आ गया ये फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट पर चलेंगे कि इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, ये सब है, इनको हम समझेंगे, ठीक है, तो ये हमारा होम वाला पूरा कंप्लीट हो गया, ओके, चलिए दैट्स इट, थैंक यू।